सुनहरे रेतीले ढोरों की मरुधरा राजस्थान प्रदेश में उदयपुर जिले की पंचायत समिति भिंडर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत रुंडेडा में किसानों व ग्रामीणों के सामने पानी की कमी एक सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी। लोगों के सामने पीने के लिए पानी, अपने मवेशियों को पिलाने के लिए पानी व कृषि कार्य हेतु पानी की कमी जैसी विकट समस्याएं थीं। इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु महात्मा गांधी कन्वर्जेंस योजना के अंतर्गत मॉडल तालाब विकास कार्य स्वीकृत करवाया गया। इस मॉडल तालाब विकास कार्य के अंतर्गत घाट निर्माण कार्य, इंटरलॉकिंग कार्य, साइड वॉल निर्माण कार्य, पिचिंग वर्क व तालाब गहरीकरण जैसे सराहनीय एवं जनोपयोगी कार्य करवाए गए हैं। इन सभी कार्यों के होने से वर्षा के दिनों में आने वाला पानी अब अच्छी मात्रा में संग्रहित होने लगा है और साथ ही इस तालाब का रिसाव भी बंद हो गया है, जिससे कि अब यहां पर 12 महीने पानी की उपलब्धता आसानी से रहने लगी है। इस तालाब के गहरीकरण व पानी की भराव क्षमता बढ़ने से आसपास के कुओं व हैंडपंप का जल स्तर भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। भूमिपुत्र किसान इस पानी का उपयोग अपने कृषि कार्य के अंतर्गत फसल सिंचाई हेतु भी करने लगे हैं। घाट निर्माण कार्य होने से तालाब किनारे लोगों को नहाने, कपड़े धोने तथा अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए जल की अच्छी व्यवस्था रहने लगी है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार भी मिला है तथा किसानों की कृषि आय में वृद्धि भी होने लगी है। इस प्रकार यह महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में एक वरदान साबित होती दिखाई दे रही है। इस योजना से रुंडेडा ग्राम पंचायत का हर एक व्यक्ति काफी खुश व उत्साहित नजर आने लगा है। मंगलाल जानवा रुंडेडा रुंडेडा उदयपुर। हमारे एक तो एक घाट बनाया, एक रिटर्निंग दीवार बनाई है, उधर 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 दीवार बनी हुई है, घाट भी बनाया हुआ है। क्या 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 इनसे नहाने धोने की व्यवस्था अच्छी रहेगी। रिटर्निंग वाल बनने से पानी लंबे समय तक रुकेगा, उससे कुओं में जलस्तर ऊपर आएगा, लंबे समय तक पानी रहेगा, सिंचाई के लिए अच्छा रहेगा। नहीं नहर नहीं है यहाँ पे, नहर नहाने धोने के लिए व्यवस्था अच्छी रहेगी और जलस्तर ऊँचा रहेगा गाँव का। अच्छा अच्छा काम हुआ, धन्यवाद धन्यवाद। गांव रुंडेड़ा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान से मॉडल तालाब कार्य में यहाँ गाइड वाल बनी है 115 मीटर और पशु खुरंजा निर्माण हुआ है और इधर नहाने के लिए एक घाट बनने जा रहा है और दीवाल पे है जो ग्रेवल डाली है और दीवाल सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए मिट्टी अभी वो डालनी बाकी है और इससे जल स्तर भी बढ़ेगा था इन कामों से और पानी के ये दीवार टूटने का भी डर, गाइड वाल बनने से दीवार टूटने का डर भी नहीं रहेगा, फसलों को नुकसान हो सके और पानी के नहाने धोने के लिए ग्रामवासी नहाने धोने के लिए और इससे जल का स्तर ऊंचा रहेगा। नरेगा कन्वर्जन से ग्रामीणों का रोजगार भी मिला है इससे और गांव के लोग आ रहे हैं मजदूरी करने आते हैं। अभी भर गया है तालाब इसलिए अभी वर्तमान में काम बंद है, आज की तारीख में काम बंद है।
नाम बगू गाम नारपरा पंचायत रुंडेड़ा वलम नगर ए उदयपुर चम्मेती रुंडेड़ा हाँ पंचायत चम्मेती पहला तो यो यूं ही कासू ही चू अब ये वोटे घाट बनायो या बाउंड्री बनाई एक वो बच्चे घाट बनायो एक बटे कटे और काम भी साली रू तला बे अच्छा लगी था पहला तो टे लुगड़ा न पागड़ा न सब मैं आई जाता फायदो नफो दियो हो जावे मनक जावा आवा तो गेलो घाट उपाड़ो बीजो है ने एक बार कई साधन आई जा तो बगले उपाड़ी रहा यो फायदो ही से तू हो सब बोले आवा पहला हाँ सफाई की दी सब पाल फेर हो दी तू पहला हो से आवा धन्यवाद देते सरकार नाम बताओ बेरुलाल जाट गांव रुंडेड़ा ग्राम पंचायत रुंडेड़ा वर्तमान में वार्ड पंच ग्राम पंचायत जो हमारे ग्राम पंचायत द्वारा तालाब पर कार्य किया गया है वह बड़ा वो नरेगा योजना में किया गया है ये काम बड़ा सराहनीय रहा है और बहुत अच्छा काम हुआ है और जो दीवार सेप्टिक वाल दीवार पक्की बनाई गई है इस दीवार से तालाब का टूटना या पानी रिसाव होना बहुत कम होगा और पानी भरा रहेगा जिससे पूरे गांव का जलस्तर ऊंचा रहेगा और लोगों को पीने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई ग्राम पंचायत ने और जो काम किया है ग्राम पंचायत ने वह सराहनीय काम किया गया है। जो पहले घाट की व्यवस्था अच्छी नहीं थी जहाँ लोग नहाने के लिए भी इधर उधर तड़पते घूमते फिरते थे और जो आज बैठने की व्यवस्था बनाई गई है वो भी अच्छी है। दीवार के पास में सौंदर्यकरण के जो पेड़ पौधे लगाए हैं वो भी आज के सराहनीय योग्य हैं। ये नरेगा योजना के अंतर्गत हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है, लोगों ने अच्छा काम किया है और जो हमारे रोजगार चलाने वाले मेट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और उन्हें ईमानदारी से काम किया। हम सरकार को संदेश देने जो काम किया बड़ा उचित किया है और हो सकता है तो कुछ और पैसे पास नाम है किशनलाल मिनारिया सन ऑफ गिरीलाल जी मिनारिया रुंडेड़ा गांव के रहने वाला हूँ पंचायत रुंडेड़ा के रहने वाला हूँ तहसील वल्लभ नगर जिला उदयपुर। ये जो काम हुआ है इस योजना में पहले से बहुत बेटर और बहुत ही अच्छा हुआ है और गांव के हित में बहुत ही फायदा हुआ है। पहले यह व्यवस्था घाट की अच्छी नहीं थी, इस समय बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरपंच साहब ने, पूरे गांव पंचायत ने अच्छी व्यवस्था की है, गांव को अच्छा फायदा मिला है। पानी भरा हुआ है तो पब्लिक भी नहाने को यहाँ आती है और गर्मी पड़ेगी जब तक पूरा भरा तालाब रहेगा तो मवेशी वेवेशी पानी पीने में अच्छी सुविधा है, इसलिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छा काम किया है और नरेगा योजना में बहुत अच्छा चलाया। मेरा नाम पुष्कर लाल मिनारिया रुंडेड़ा का निवासी हूँ, वल्लभ तहसील वल्लभ नगर है और रुंडेड़ा गांव में तालाब का जो भी काम स्वीकृत हुआ बहुत ही अच्छा हुआ और एक ईमानदारी के साथ में इस काम को प्रगति पे लेके आए और पक्का काम हुआ है, घाट का काम हुआ है और ग्रेवल डाल के अच्छा नरेगा से काम कराया गया और पक्का काम भी बहुत हुआ है और बहुत सारा आगे खरे वगैरह लगाए पत्थर के पशुओं को आने जाने के लिए और पानी पीने के लिए वो भी व्यवस्था की, लोगों को नहाने धोने की व्यवस्था भी की गई है और ये कार्य नरेगा के अंतर्गत कराया ताकि लोगों को रोजगार मिला क्योंकि हर आदमी परेशान था काम धंधे से और दो पैसा उनके घर में आए, उनका रोजी रोटी का अच्छा व्यवस्था की गई। हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम हीरालाल मेनारिया, पिताजी का नाम गुलाब चंद जी, निवासी रुंडेड़ा वल्लभ नगर तहसील गाँव में।
हमारे यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान जो गवर्नमेंट ने नरेगा से बहुत सारे काम स्वीकृत किए जलाशय के लिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है जो अपने बड़े तालाब का मॉडल तालाब का, इसमें 43 लाख 44 लाख रुपए के आसपास में सेंक्शन हुए हैं। इसमें बहुत तालाब की जो है पाल मजबूत करने के लिए गाइड वाल बनाई गई हैं, खरंजी बनाई गई हैं, पशुओं के लिए पीने के लिए वापस वो खरे बना करके पानी पीने के लिए खरे की व्यवस्था की गई है। और अभी वर्तमान में एक और जो है घाट स्वीकृत हुआ है जो थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ है लेकिन पूरा होने वाला है। और इस तालाब की वजह से पहले जो पानी का लेवल नीचा था वो आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ, सन 1976-75 के आसपास में जब बारिश हुई थी उस समय भी हमारे उधर कुएं में पानी ओवरफ्लो होके नहीं गया, इसमें अब पानी इतना ओवरफ्लो हो गया कि खेत में पानी बहने लग गया और पानी के वाटर लेवल इतना अच्छा हो गया है कि शायद अगर इस प्रकार से अगर बारिश कम भी होगी किसी साल तो भी पानी का लेवल कम नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने जो नरेगा का काम स्वीकृत किया है, इसमें से नरेगा में स्वीकृत किया है, ये लॉकडाउन के अंदर किया था। लोगों को इतना बेनिफिट हुआ है कि लोगों को उस समय रोज़गार नहीं मिल रहा था तो नरेगा काल में जो सब लोग घबरा गए थे कि यार अब रोज़गार नहीं मिलेगा, उस समय जो है हर व्यक्ति को रुंडेड़ा गांव में रोज़गार मिला था। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को रोज़गार नहीं मिला, और रोज़गार नहीं मिला ये प्रॉब्लम जो समस्या थी वो आज दिन तक जो है नरेगा का काम वैसे आज थोड़ा बहुत और पेंडिंग है, और सौंदर्यीकरण का जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ में वृक्षारोपण भी तालाब के किनारे कर रहे हैं, और पूरा काम होने के बाद में पूरे गांव तालाब के चारों तरफ घाट दोनों तरफ है। अभी मैं पुराने घाट के ऊपर खड़ा हूँ जिसको भी मॉडल किया गया है, और उधर भी एक तालाब के नया घाट भी बन रहा है वो भी मॉडलाइज किया जाएगा, और पूरे तालाब को मॉडल तालाब को रूप में दे करके उसे सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और हम सरकार से और अनुशंसा करते हैं। हाँ, देवीलाल जाट, पिताजी का नाम गिरिलाल जी जाट, गाँव रुंडेड़ा, पंचायत रुंडेड़ा, भिंडर, जिला उदयपुर। अब ये हमारे गांव में ये नरेगा में ये काम हुआ है तालाब का, अच्छा हुआ है। जो मजदूर बेचारे गरीब लोग होते हैं इसमें काम पे लग गए तो दो पैसे के लिए अच्छे, उनके रोजी रोटी के लिए अच्छा काम हुआ, और ऐसा होना चाहिए। और ये तालाब का ये घाट का ये और ये चारों तरफ ये दीवार हुई तो अच्छा हुआ, फूटने का संभावना नहीं रहती बारिश में कभी। ये गाय भैंसे पानी नहाने के लिए अच्छा रहते हैं, और ये वो बाजू भी अच्छा काम हुआ है। कुएं में पानी आएगा ना, ये भरेगा तो थोड़ा कुएं में पानी आएगा, अच्छा है और ऐसे होना चाहिए। हाँ, अच्छा काम हुआ है। बंसीलाल मनारिया, गांव रुंडेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर। इस लॉकडाउन के समय में सरकार ने जो इस मॉडर्न तालाब के लिए स्वीकृत राशि 44 लाख रुपये दी, उसमें दो घाट बनाए गए और गाइड वाल बनाई गई, पशुओं के पानी पीने के लिए सुविधा हुई, और जल स्तर इतना ऊपर आया,
कि कुओं से पानी वापस तालाब में डालना पड़ रहा है और हमें विदेशी पक्षी भी यहाँ शाम को आते हैं और गांव के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, इस पाल से उस पाल तक नज़र आ रहा है और लोगों को घूमने फिरने के लिए 2 किलोमीटर का एरिया है और रात को सफ़र करने में उनको अच्छा आनंद आता है। उसके पहले ये गए जो दीवार थी, ये पाल थी, वो संकरी थी, अब चौड़ी बनाई गई है और भी इसमें काम बाकी है। अभी बरसात आ गई है तो इस पाल को इस मुँह से उस मुँह तक 4-व्हीलर जाए वैसा चौड़ी करने का प्रावधान है और बीच में जो ये बोले वोले हैं वो भी निकालने का प्रावधान है और इस तालाब को गहरा करने का भी प्रावधान है और जो गई वाल अधूरी है हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार उसके लिए भी, सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल की होगी बर्बादी तो नहीं होगी कोई आबादी, तो नहीं होगी कोई आबादी। हर बच्चा बूढ़ा और जवान, हर बच्चा बूढ़ा और जवान, जल को बचाकर बने सभी महान, जल को बचाकर बने सभी महान। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जल बचाने की मुहिम जो चल पड़ी है वो गांव को विकास के रास्ते पर लेकर जाने लगी है। जो अभी अपन जो यहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर तो ये सब बम्बुल ही खड़े थे, कुछ था भी नहीं, एकदम चौपट था और ये कोरी जाड़िया थी यहाँ पर। और फिर सरकार ने ये स्कीम जो निकाली और ये पास की तो लॉकडाउन के अंदर जो लेबर को भी काम मिला, अच्छा मिला और ये अच्छा एक जल स्तर कंट्रोल होने के कारण पीछे इस ज़मीन में जल स्तर भी बढ़ गया है, कई कुओं में पानी भी बढ़ गया है और रोज़गार भी मिला। इसलिए हम सरकार को और अधिकारी जो इस काम को सेक्शन करने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये नाली का काम हुआ, ये सब पानी भरा रहेगा तो जल स्तर बढ़ेगा और रोज़गार मिला इसी मुसीबत की टाइम में। आस पास में जो ये
वो चारा का जमीन है, पशु चरते है तो पानी पीने के लिए सुविधा हुई, और या एक शमशान भी है तो उनको ये घाट बना और घाट बन जाएगा तो स्नान करेंगे, सब व्यवस्था होगी तो गांव के हित में बहुत अच्छा रहेगा। ये अच्छा हुआ थोड़ा काम, ये बारिश जल्दी आ गई, थोड़ा ये बाकी रह गया और ये थोड़ा कच्ची मिट्टी के कारण ही हो गया, लेकिन इसको और सुधार हो जाएगा और जनता के हित में बहुत अच्छा काम हुआ। ये धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सरकार का और अधिकारियों को, इसकी स्वीकृति करने वाले को, सबको, पूरे स्टाफ को मेरे और धन्यवाद बहुत बहुत। रामलाल मीणा, गांव रुंडड़ा नारपुरा, पंचायत रुंडड़ा, बिंडर, उदयपुर। उसको नारपुरा नाड़ी, वहाँ पर मनरेगा में लेबर लगाई थी, उसके अंदर मिट्टी को खोद कर डाला गया, एनिकट भी बनाया नारपुरा, और वहाँ पर लोगों को रोजगार मिला। वहाँ से लगभग 120 लेबर लगभग प्रतिदिन लोगों को रोजगार दिया। वहाँ के लोग आपको आसपास के जो भूमि का क्षेत्र जल स्तर बढ़ेगा आसपास की भूमि का, और पशुओं को पानी पीने की सुविधा मिलेगी, और लोगों को आसपास के जो जमीन स्तर पानी का लेवल ऊपर आएगा। हाँ, वो रहेगा, बहुत अच्छा काम होगा। जल बिन जीवन नहीं रहेगा, जल बिन जीवन नहीं रहेगा, जल की महिमा जानो, आज अभी से जल संरक्षण, आज अभी से जल संरक्षण करने की तुम ठानो। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों ने भी जल संरक्षण करने की मन में ठान ली है और इस ओर इनके कदम बढ़ चले हैं।